हेलो बच्चों, रेडियस क्लासेस 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 से कैसे कोई भी संख्या डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसको चेक करेंगे। तो चलिए इसका नियम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग ट्राई करने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 से विभाज्यता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 क्या नियम है उसको पढ़ते हैं पहले। कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि पहले जो भी संख्या दिया उसको हम लोग चेक करेंगे कि 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद देखेंगे कि 3 से विभाजित हो रहे हैं नहीं, उसके बाद देखेंगे कि दोनों से अगर विभाजित हो जाता है तो वो 6 से आप चेक करके देख लोगे तो 6 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में भी लिख रखा है कि इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6 देन आफ्टर। अब चेक करते हैं कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा संख्या है, आप इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 से देखें तो 2 लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3, 4, 5, 2 और 4 जो है आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको 3 से चेक करने के लिए क्या किए, तो 3 से हम लोग क्या करते हैं, सभी को सम करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि 3 + 4 + 5 + 2 + 4 ऐड करो। यहाँ पे 7, 5, 12, 12, 2, 14, 14 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 हो गया। अब यहाँ पे देखो 16 जो है 16 आया, ये आपका 3 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है, 3 से डिविजिबल तो है नहीं, तो इस कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा संख्या, ठीक है, पूरा का पूरा जो संख्या है वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ये समझ में आ गया हो क्या है, कहने का मतलब 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी, सिर्फ 1 से डिविजिबल हुआ 3 से नहीं हुआ, तो इस कारण से इसको बोलेंगे कि ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या खासियत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबको हम लोग पहले 2 से देखें तो 2 से डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान है, क्योंकि लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 2, 0, 2, 4, 6 या तो 8 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो ये समझो कि 2 से डिविजिबल है, यानी कि पहला हमारा रूल जो है यानी कि 5 टाइम्स था और इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये आपका रूल फॉलो कर जाता है। यानी कि देखिए 5 × 15, 15 और 6 हो गया 21 को अगर देखा जाए तो मतलब ये पूरा तो कर सकते हैं आप, 3 से देखिए चेक कीजिए, ये 2 से करके क्योंकि लास्ट में 6 था। अब यहाँ पे आप चेक करो इसको पहले, तो इस सब को ऐड करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब सब ऐड करते हैं, 5 बार ऐड किया, इसको 6 के साथ ऐड किया तो टोटल आपका 21 आ जाता है, और 21 को आप देख सकते हो कि 3 से डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ओवरऑल जो संख्या है बच्चे वो आपका 6 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि यही नियम आपका है कि 2 से भी चेक करना है और साथ साथ 3 से भी चेक करना, अगर दोनों से डिविजिबल हो गया तो समझिए कि आपका संख्या 6 से डिविजिबल हो गया। अब उसके बाद आपको होमवर्क करके लाना है, इसमें आपको बताना है कि ये संख्या ये और ये 3 संख्याएं हमने रखा है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन संख्या 6 से डिविजिबल होगा और कौन नहीं। तो आई होप ये जो छोटा सा नियम था आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और छोटे छोटे वीडियोस के लिए अगर चाहते हैं आप देखना इसी चैनल पे, तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते। चलिए बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।